हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए। सीधी भर्ती के लिए एक और विज्ञापन यहां पर जारी की गई है, ठीक है। उसी के बारे में पूरा जानकारी देखेंगे कि कौन सा है ये जो विज्ञापन है, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है इसकी 20 अप्रैल रहने वाली है। तो 20 अप्रैल से पहले आप लोगों को इसके लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। योग्यता की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है, काफ़ी सारे जो है पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती जो है, ठीक है, उसमें कुल कितने आवेदन किए गए हैं, आप लोगों का कंपटीशन जो है कितना टफ रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कितने आवेदन जो है यहाँ पर फिल किए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा SI भर्ती के लिए, और साथ ही बस्तर फाइटर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियो बिल्कुल रेगुलर टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर से सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले वैकेंसी के बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद पुलिस भर्ती की जानकारी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो जसपुर से आई हुई है, ठीक है। जसपुर की वैकेंसी है, और आप देख सकते हैं विज्ञापन यहाँ जारी किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो वैकेंसी है वो जिला स्वास्थ्य समिति जिला जसपुर के अंतर्गत जो है रिक्त पदों के लिए जो है भर्तियाँ मंगाई गई हैं, ठीक है। इसको जो है आप लोग पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 20 अप्रैल रहने वाली है। शाम को 5 बजे तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। स्थान देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर, पिन कोड यहाँ दिया हुआ है। यहाँ जो आमंत्रित किया जाएगा और निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन कौन से पद हैं यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, काफ़ी अलग अलग पदों के लिए भर्ती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, कम्युनिटी नर्स, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ब्लड बैंक काउंसलर, प्रोग्रामर एसोसिएट, ठीक है, प्रोग्रामर एसोसिएट, तो बहुत सारे यहाँ पर पद हैं, आप लोग देख सकते हैं, पद भी देख सकते हैं, और उसके सामने पद के सामने उसकी क्वालिफिकेशन है ये भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी भी फिक्स सैलरी दी गई है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो है पूरी तरह से संविदा भर्ती है, ठीक है, ये रेगुलर भर्ती नहीं है, संविदा भर्ती है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पोस्ट के सामने उसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसको आप देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने पोस्ट हैं वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ भी देख लीजिएगा कौन कौन से पोस्ट हैं। सिक्योरिटी गार्ड, ANM, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, कुल मिलाकर के लगभग 19 तरह के पदों के लिए यहाँ पर हैं। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर पद हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि 19 तरह के यहाँ पद हैं, और 19 तरह के पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी की गई है। तो इस तरह से ये पूरी वैकेंसी है। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र के संबंध में, आवेदन पत्र जैसे मैंने बताया 20 अप्रैल तक आप लोगों को, ये जो स्थान दिया गया, स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर, ठीक है, पिन कोड यहाँ दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग डाक के जरिए भी इसको भेज सकते हैं, पंजीकृत डाक के जरिए या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा जो है लिफाफे के ऊपर आवेदित का नाम और श्रेणी अंकित करना अनिवार्य है। अगर आप लोग एक से अधिक पद के लिए आवेदन पर करते हैं तो अलग अलग आवेदन पत्र आपको देना होगा। आयु सीमा आप देख सकते हैं, जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड हेतु न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होगी। छूट वालों को जो है 45 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा मिलेगी। आवेदन शुल्क देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुल्क 2 तरह के हैं, ठीक है। मानदेय जिसका 25,000 से कम है, मानदेय वहाँ पर मानदेय ऊपर दिया हुआ है टेबल में जो मैंने आपको दिखाया वैकेंसी, ठीक है, वहाँ पर अगर 25,000 से कम है तो विकलांग के लिए 100 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए, ठीक है, विकलांग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 200 रुपये, अनारक्षित के लिए 300 रुपये। अगर यही मानदेय 25,000 से अधिक है आपके पोस्ट के लिए तो आवेदन फीस यहाँ पर विकलांग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 300 रुपये, अनारक्षित के लिए 400 रुपये, इस तरह से है। और ये जो है फीस आपको कैसे प्रस्तुत करना होगा, आवेदन शुल्क जो है राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति जसपुर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी RCH फ्लेक्सिपुल जसपुर, यहाँ पर इस जो है पते पर आपको इस नाम से जारी करना होगा डिमांड ड्राफ्ट, जो जसपुर में दे हो, जसपुर में दिया जा सके ऐसा आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा आवेदन पत्र के साथ। बिना आवेदन शुल्क या डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन आमंत्रित नहीं किए जाएंगे, स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां आप देख सकते हैं, अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। दावा आपत्ति के लिए आपको 10 मई का यहाँ पर स्टार्टिंग डेट होगा, दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 17 मई होगी। दावा आपत्ति का निराकरण करने हेतु कौशल परीक्षा के लिए मेरिट लिस्ट जो है 25 मई को जारी किया जाएगा। और इसकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पीडीएफ है वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट jaspur.nic.in पर प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, विज्ञापित पदों की अगर कुल संख्या 1 से 10 तक है तो 10 गुना को आमंत्रित किया जाएगा, 11 से 50 तक है तो 5 गुना को आमंत्रित किया जाएगा, और 50 से अधिक है अगर पदों की संख्या तो यहाँ पर 3 गुना लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जितने पद हैं उनके। ठीक है, सत्यापन दस्तावेज, सत्यापन के समय कौशल परीक्षा जब आपकी ली जाएगी या साक्षात्कार लिया जाएगा तो इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है वहाँ प्रस्तुत करना होगा, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखेंगे अपने पद के हिसाब से। ठीक है, कौशल परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट किस तरह से जारी की जाएगी, ये जो है परसेंट बेस पर होगा। परसेंट बेस के साथ साथ अगर आपका अनुभव है तो हर एक वर्ष के लिए 3 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 15 अंक आप लोगों को दिया जाएगा 5 वर्ष के लिए अनुभव के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने 6 माह तक लगातार कोविड के दौरान सेवा प्रदान की है तो आप लोगों को 10 अंक का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और मेरिट लिस्ट के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से रेडी की जाएगी। स्टाफ नर्स, NM, ANM नर्सिंग संवर्ग के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक का जो है 50% लिया जाएगा, 10 अंक बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा अगर आप लोग 6 महीने तक लगातार जो है कोविड के दौरान आप लोगों ने काम किया है, और अनुभव के लिए आपको अधिकतम 15 अंक तक यहां पर आपको दिया जाएगा। तो इस हिसाब से मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, इसके लिए और भी जो है सरल क्रमांक 7 से यहाँ दिया गया है, नंबर 7 के दर्शक पदों को छोड़कर और भी जितने भी पद बच जाते हैं उसके लिए योग्यता का आपका 55% होगा, अनुभव का अंक होगा, और आपका कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो बोनस दिया जाएगा आपको अगर आप लोगों ने काम किया है उसके हिसाब से यहाँ पर कौशल परीक्षा के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो इस तरह से है कौशल परीक्षा का चयन का आधार, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए लिखित या फिर साक्षात्कार होगा, बाकी पदों के लिए यहाँ पर कौशल या दक्षता परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं जो है अपलोड कर दूंगा। आवेदन पत्र का प्रारूप इसी में दिया हुआ है, और आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकेंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं पुलिस भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती से संबंधित यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, ये जो जानकारी है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्री जो है भूपेश बघेल ने बस्तर पुलिस और जो है SI भर्ती के लिए यहाँ पर डेट शीट यहाँ पर जारी कर दिया है। ठीक है, डेट शीट के बारे में ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी थी कि किस किस वीक में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, फिजिकल होगा, ठीक है, इसके बाद लिस्ट कब आएगी, तो इस तरह से पूरी जानकारी दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस उद्देश्य से नवीन बस्तर फाइटर बल के लिए 2800 नवीन पदों का सृजन किया गया था, जिसमें 2100 पदों के लिए बस्तर फाइटर्स के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि बस्तर फाइटर्स के लिए आरक्षक के जो 2100 पद हैं जिसमें बस्तर संभाग के स्थानीय निवासियों से आवेदन मंगाए गए थे, तो उसमें 53,000 से अधिक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 53,000 ऑलमोस्ट आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 53,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किया है 2100 पदों के लिए। मई 2022 के द्वितीय सप्ताह में आवेदकों की शारीरिक नापजोक और दक्षता परीक्षा जो है प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 975 पदों के लिए जो SI भर्ती है, जिसमें उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर एवं सूबेदार के पदों पर जो भर्ती की जानी है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 1,00,000, ठीक है, 1,48,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1,48,000 यानी कि लगभग 1,50,000 यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए हैं SI भर्ती के लिए। इन आवेदकों की शारीरिक नापजोक एवं प्रमाण पत्रों की जाँच 2022 मई के जो है चतुर्थ सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, शारीरिक नापजोक के लिए जो है ट्वीट करके जानकारी दी गई थी CMO जो है ट्विटर हैंडल के द्वारा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा। तो मई के प्रथम सप्ताह से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि कितने कितने पदों के लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने जिन पदों के लिए जो है आवेदन किया है उसमें कितनी टफ कंपटीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर लगभग 1,50,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है 975 पदों के लिए, और वहीं पर 2100 पदों के लिए बस्तर फाइटर में लगभग 53,000 से अधिक जो है आवेदन आए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।